हे गाइस, व्हाट्सअप, दिस इज एंडी गुजा। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों को एक बहुत पुरानी कहावत से रूबरू करवाना चाहूंगा। वो बोलते हैं ना कि बुराई और झूठ कितना ही क्यों ना मजबूत हो, लेकिन एंड में जीत तो अच्छाई और सच्चाई की ही होती है। सो हमारे साथ में भी वही हुआ है गाइस, हमने सच्चाई और अच्छाई को शेयर करा, इसलिए हम एक तरीके से जीत चुके हैं। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा कि गोबर जोन आने वाला था फैन फेस्ट 2019 दिल्ली में, लेकिन इसकी हरकतों की वजह से YouTube ने इसको भगा दिया है। आप सही समझ रहे हो, इसको परफॉर्मेंस इसकी जो थी वो कैंसिल हो चुकी है। इसका जो YouTube फैनफेस्ट था वो कैंसिल कर दिया है YouTube ने, जो कि अपने ट्विटर हैंडल पे उन्होंने ट्वीट करके बकायदा दिखाया है। जो उनका ऑफिशियल YouTube इंडिया का ट्विटर हैंडल है, वहां पर जाकर उन्होंने ये ट्वीट करा है कि गौरव जोन अपनी परफॉर्मेंस नहीं करेगा, किन्हीं कारणों की वजह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो कैंसिल हो चुकी है। सो आप सब लोग समझ चुके हो कि देखो, सच्चाई और अच्छाई की जीत हो चुकी है आधी आधी। सो गाइस, आप सब लोगों के इमेंस लव एंड सपोर्ट की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। जो आप सब लोगों ने अपना गुस्सा और आक्रोश YouTube इंडिया को दिखाया, इसको दिखाया, बाकी क्रिएटर्स को जाके पिंग करा के वो इसके बारे में कुछ बोले, तो इतना बड़ा एक्शन तभी लिया गया है। और गाइस, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि कल की जो वीडियो मैंने डाली थी इसके बारे में, जो इसने ब्रांड के पैसे खाए थे, उसके साथ साथ में मैंने और भी कई सारी चीजें शेयर करी थी। YouTube इंडिया ट्रेंडिंग का जो था, इसने सेक्शन जो ट्रेंडिंग पेज होता है उसमें भी घपला करवाया था, तो उसके बाद में मेरे पास एक कॉल आई थी इसकी सो कॉल्ड लीगल एडवाइजर की तरफ से। एंड उसने मेरे को कॉल करके काफी सारी धमकियां दी कि आप अपनी वीडियो को डिलीट कर दो, आप पे चार्ज लगा है डिफेमेशन का, आपको 2 साल की उम्र कैद होगी। आप सही समझ रहे हो, उसने यही बोला था, 2 साल की उम्र कैद होगी। फिर मैंने उसे करेक्ट करा कि 2 साल की उम्र कैद नहीं होती, उम्र कैद लाइफ टाइम के लिए होती है। तो उसने मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे है, आपने उसको लीचड़ और गलीच बोला था अपनी वीडियो में, तो हम आप पे ये करेंगे वो करेंगे, 2 साल की सजा होगी ये और वो। तो मैंने बोल दिया, भाई अपना नोटिस वोटिस भेज देना, बाकी तो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, कॉल रिकॉर्डर जिंदाबाद। सो कॉल रिकॉर्डिंग सुनो। और गाइस, अभी मैं आपसे ये कहना चाहूंगा जाते जाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ माई एक्सपोज वीडियोज, और आप सब लोगों ने जो मेरे को सपोर्ट दिखाया है, मैं तहे दिल से आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो आप सब लोगों ने मतलब एक झंडा नेक्स्ट लेवल का गाड़ दिया है ना, मेरा तो काम बस सच्चाई आगे लाने का था, आप सब लोगों ने सच्चाई को बहुत आगे फॉरवर्ड कर दिया। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, एंड भाई यार दिल बहुत खुश हो गया। ठीक है, तो यहाँ से विदा लेता हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग में चलता हूँ। हेलो हेलो, या Is it Andy Gujar? जी जी बताएं। Actually, I'm legal advisor of Gaurav Zone. हम्म। So basically, आप जो ये videos डालते हो, जी। So आपको पता है कि आप पे एक charge लगा है, according to IPC section 499 and 500. Okay. आप पे defamation के charges हैं। Okay. ठीक है, okay. तो देखो, आपने एक वीडियो बनाई होती, ठीक है? नहीं मैम, ठीक है, मैं कुछ बात उसके बारे में नहीं कर रहा। आप मेरे पास सुनिए, मैं पॉजिटिव ही बात कर रहा हूँ। आप एक वीडियो बनाते हैं, ठीक है, आप अपने वर्ड यूज करते हैं, फ्रॉड, लिचड़, लीच, गिरा हुआ, ठीक है। आपने एक स्पाई कैमरा यूज किया था गौरव पर, ठीक है, okay. जो फ्लाइंग बीस्ट के बारे में बात हो रही थी, वो आप दोनों के बारे में, वो आपको अपने व्यूज बता रहा था, ठीक है, okay. वो हेट करता है उसकी फैमिली को, ठीक है भाई, उसकी गलती है, उसने किसी की फैमिली के बारे में बोला, ठीक है, आपने स्पाई किया, सब कुछ किया, ठीक है, ठीक था, okay. आपने इतने खराब वर्ड यूज किए, अभी आपको रियलिटी नहीं पता जो आज आपने वीडियो पोस्ट की है। अच्छा, उसकी रियलिटी क्या है? उसकी रियलिटी ये है कि उसने उसको पेमेंट पे कर दी है, ठीक है। तो पेमेंट देखिए मैम, वीडियो बन गई थी, मेरे को तो सुबह पता लगा है कि उन्होंने रिफंड कर दिया था। करनी होगी, वरना वी आर सेंडिंग अ लीगल नोटिस। जी मैम, भिजवा दीजिए मैम, मैम भिजवा दीजिए आप। सुनिए आप, अगर आप 15 डेज के अंदर ये रिवोक नहीं करते हैं, अपनी वीडियोस डिलीट नहीं करते हैं, देन यू हैव टू अपीयर इन कोर्ट। मैम कोई दिक्कत नहीं, मेरे को आप भिजवा दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, अगर आप गिल्टी हैं, क्योंकि आप हैं, ऑब्वियसली यू आर गिल्टी, तो आपको ना इसके लिए 2 साल की उम्र कैद है, एंड यू हैव टू पे सम समथिंग। 2 साल की उम्र कैद, राइट? नो, 2 साल की उम्र कैद नहीं, 2 साल की आपको सजा है, लाइक जेल है। ओके, अभी आपने 2 साल की उम्र कैद बोला था। आई एम लिटिल बिट वीक इन हिंदी, तो मैंने मुझसे उम्र कैद निकल गया, बट आपको 2 साल की मिनिमम एक जेल होती है, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आप एक एस्टेब्लिश्ड यूट्यूबर है, मानते हैं आप इस चीज को? मैम मैं तो देखो एक एस्टेब्लिश्ड ह्यूमन हूँ, जो मेरे को सही लगा, देखिए मैम मैंने तो वो करा है। बिल्कुल ठीक किया, मैं आपको गलत नहीं कह रही, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए अच्छी चीज की बहुत, ठीक है, बट जो आपने वर्ड यूज किए, ठीक है, तो वो ना डिफेमिंग कैटेगरी में आता है। डिफेमिंग मतलब मानहानि, मानहानि उनको हुई है, ठीक है। अब आप ये देखो कि आपकी जो वीडियो है, ठीक है, उसपे कमेंट्स कितने खराब है गौरव के बारे में, ठीक है, गौरव को लेके होता है, उसकी मदर को लेके भी है, तो पब्लिक की राय है ना,
पब्लिक की राय किसकी वजह से बनी? बिकॉज यू हैव डिफेम्ड गौरव. मैम मैंने क्या डिफेम करा है, मैंने तो मैम उसके असली दिखाई है. गंदे वर्ड यूज किया आपने. एक नॉर्मल आपने वीडियो बनाई होती, वी वुड नॉट हैव डन एनीथिंग. ठीक है, एक नॉर्मल आपने एक नॉर्मल बिना गंदे वर्ड की भाई देखो ये किया था. अब नाउ यू नो द ट्रुथ. ठीक है, आप लोग ये बोल के छोड़ देते. ठीक है, आपने खुद कितने खराब शब्द यूज किए, मान रहे हो. आप मैं गौरव की सपोर्ट मिलेगी, आपकी मिलेगी. मैं बोलती हूँ अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आप दूसरे इंसान की तरह बुरे नहीं बनोगे, मानते हो इस चीज को? जी डेफिनेटली नहीं बनना चाहिए, मैं बना भी नहीं. नहीं बनना चाहिए. हाँ. और आप बने क्योंकि आपने गलत सिलेक्शन ऑफ वर्ड यूज किया. ओके ठीक है, तो ये चीज एक बहुत ज्यादा ना आपके भी अगेंस्ट है. प्लीज इस चीज पर वर्क करो. अभी जो रियलिटी है वो मैं तो मैम कह रहा हूँ, देखिए आप नोटिस भिजवा दीजिए मेरे पास में, कोई दिक्कत नहीं है. मैम नोटिस भिजवा देंगे, ऑब्वियसली हम भिजवाएंगे. बट द थिंग इज दैट आप अब ये चीज है कि आप कोर्ट को भी चैलेंज कर रहे हैं, आप हर चीज को चैलेंज कर रहे हैं. मैम मैं कोर्ट को चैलेंज थोड़ी ना कर रहा, मैम कोर्ट तो मेरे को चैलेंज करेगा ना जब मैम इसकी हियरिंग होगी तो वहाँ पे. ऑलरेडी हियरिंग की बात नहीं. अब आप ये देखो ट्रुथ कुछ और है. आप ठीक है, ट्रुथ ये है कि उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए, उन दोनों की बात होगी. गौरव के इंस्टाग्राम पे भी आप देख लो, जो वो बंदा है प्रतीक करके, उसने ऑब्वियसली बोल दिया कि वी आर ऑल क्लियर अप. जो भी हुआ है गौरव हमारे भी सब क्लियर डाउट है, उसने मेरे पैसे वापस दे दिए. अब आपने जो वीडियो पोस्ट किया ये कितना नेगेटिव चाहिए, बेटर यू डिलीट इट. मैम आपको मैं बताता हूँ, ये वीडियो मैंने कल रात की बना रखी है. ठीक है, अब मैं जैसे मैंने आपने बनाई है बट किसी ने अपनी जिंदगी भी तो बनाई है. जस्ट बिकॉज ऑफ फकिंग वीडियो समवन कांट सफर ना, समझ रहे हो आप. अच्छा तो मैम आप एक बात बताओ, वीडियो भी तो मेरे को उस ब्रांड ने भेजी थी ना कि ये वीडियो डालो. मैं ब्रांड, फिर हम ब्रांड पे करेंगे ना आंटी. मैम आप अपनी वीडियो हटाओ. ठीक है, आप मैम सुनिए, मैम देखिए मैं नेगेटिव नहीं हूँ. जो मेरे को इसकी एक असलियत किसी दूसरे बंदे ने बताई, मैंने वो शेयर करी. अब मैम ये तो यहाँ पे देखो राखी सावंत वाला काम कर रही है ब्रांड, देखो मेरे पास वो चीज आई मैंने शेयर कर दी. अब मैं ब्रांड के कहने से थोड़ी ना चलूंगा. मैं चाहूँ तो मैम मेरे पास में बहुत सारी चीजें हैं. ठीक है, अगर आप कह रहे हो ये मेरे पे डिफेमेशन का केस लगाएगा, आप ये सोचो फ्लाइंग बिस इस पे कितना बड़ा डिफेमेशन का केस लगा सकता है. इस पे किस चीज का डेफामेशन का केस लगाएगा मैम? देखिए मैंने तो मैम लीचर वर्ड इस्तेमाल करा है, मैंने तो गलीच वर्ड इस्तेमाल करा है. ठीक है चलो मैम मैं गलत हूँ. इसने जो फैमिली को गालियां दी हैं उनके पुत्र के बारे में बोला. पता है आपको डेफामेशन के जो एसेंशियल्स होते हैं वो ये होते हैं, अगर दो बंदे बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर मैं और आप बात कर रहे हैं किसी के बारे में और आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो जो आप गौरव के थे. ठीक है, अब मान लो एक्स वाई जेड को मैं माँ बहन की बहुत गंदी गालियां दे रही हूँ. ठीक है, तो मैंने वो चीज पब्लिक नहीं की है एंडी, समझ रहे हो जी. तो मतलब और लोगों तक वो मैसेज नहीं पहुंचा है कि एक्स वाई जेड इतना गंदा इंसान है. तो वो मानहानि नहीं हुई. मैं तो अपने दोस्त से एक बंदे से बात कर रही हूँ ना, वहाँ दो से ज्यादा लोग होने चाहिए. डेफामेशन का एसेंशियल ही ये होता है. और आपने वो पब्लिकली मीडिया पे अपलोड किया है. ठीक है, यूनिवर्सल मीडिया पे. और चीज है जो आपकी ये वीडियो है ना एंडी, दिस इज द एविडेंस अगेंस्ट यू. हाँ तो मैम कोई दिक्कत नहीं, मैं तो मैम तैयार हूँ. देखो कोर्ट अगर मेरे को 2 साल की सजा देता है तो मैं तैयार हूँ मैम 2 साल की सजा भुगतने के लिए. कोई दिक्कत नहीं है मैम ऐसी. आपको दिक्कत नहीं है. ठीक है, एक बात होती है कि नंगे आदमी को कोई शर्म नहीं होती. दैट्स व्हाट यू आर शोइंग टू मी. ओके ओके ठीक है मैम, फिर कोर्ट में मिलते हैं. ठीक है, कोर्ट में मिलने की बात नहीं, यू बेटर डिलीट दैट वीडियो. मैम मैं वीडियो डिलीट नहीं करने वाला. मैम आप मेरे को प्रेशराइज नहीं कर सकते. आपने बोला लीगल प्रेशराइजिंग यू, बट मैम चीज है कि आप किसी बंदे के बारे में फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाए जा रहे हो. क्या फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाई है मैम? आप एक चीज बता दीजिए. सुनिए मैम आप बहुत बोल रहे हो, आप मेरी भी सुन लो जरा. चलो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपके प्रीवियस वीडियो में. ठीक है, यू हैव प्रूफ कि उसने फ्लाइंग बीस्ट को गाली दी है, उसने पैसे मारने की कोशिश की. ठीक है, ठीक है आपने जो बोला, बट इस वीडियो में तो यू डोंट इवन हैव प्रूफ. उसने प्रूफ कर दिया कि भाई मेरा डिले हो गया, मैंने पैसे वापस कर दिए. दैट्स इट मैम. मेरे को तो ब्रांड ने पूरे सबूत दिए ना. वीडियो डालने के बाद मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कराया, वीडियो डालने के बाद में ब्रांड ने डाला है. ठीक है, तो मैम ऐसा है, अगर आपको मेरे से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो देखो मैम वीडियो डिलीट नहीं होगी. बेटर मैं जेल जाता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है. वो तो देखो मैम जो टेस्टिमनी जिसने लिखी है वो वहीं लेकर जाएगा. अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ मैम, लीगल एक्शन भिजवा दीजिए, लीगल नोटिस भिजवा दीजिए मेरे पास में. 2 साल का मतलब 4 साल. हाँ ओके मैम.